इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप का स्टेटस, हर जगह शादी के सीजन में शादियों की पिक्चर्स ही होती हैं। और तो और आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी होने से न्यूज चैनल पे भी शादी की बात ही हो रही थी। क्या इन सब के बीच आपके दिमाग में एक बात आती है कि इंडिया में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपल्सरी है या नहीं, या क्या ऐसी लॉज हैं जो गवर्न करते हैं इंडिया में शादियों के रजिस्ट्रेशन को? हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका इंदौरी, प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर लीगल एज आफ्टर कॉलेज। इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग ऑन एंड अराउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, एंड द बेसिक टॉपिक इज मैरिज रजिस्ट्रेशन वेदर कंपल्सरी और नॉट। राइट, अब ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एनी जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन वेयर लॉ एज अ सब्जेक्ट इज टू बी आज। उसके साथ साथ अगर पर्सनल लॉज आपसे पूछे जाते हैं तब तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना बनता ही है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करूंगी। तो पहली चीज जो मेन टॉपिक है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपल्सरी है या नहीं, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड है तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड इफ योर मैरिज इज नॉट रजिस्टर्ड तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ओवरऑल रिक्वायरमेंट, उसके साथ साथ हम लीगल प्रोविजंस पे बात करेंगे और कुछ बात हम प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज पे भी करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपल्सरी? ठीक है, इसको जानने के लिए एक चीज जानो, इंडिया में सेंटर लेवल पे कोई भी लॉ मैंडेट नहीं करता है कि आपको आपकी शादी को रजिस्टर करवाना होगा। राइट, देयर इज नो सेंट्रल लॉ रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इन इंडिया। However, in the important, very important, famous case of Seema versus Ashwini Kumar, which is 2006 Supreme Court judgment, Supreme Court ने कहा कि हर एक state को अपने laws बनाने हैं जिसमें वो rules and regulations को mention करेंगे for the registration of marriage, and they will also include the penalty and procedure of registration as well in those rules. तो किसको बोला गया? State को बोला गया। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि state के पास ये power कैसे है? तो as you all know कि जो हमारा 7th scheduled है, ठीक है, जो कि तीन list की बात करता है, union list, state list and concurrent list. अब ये जो matter है, matter कौन सा? Registration and entries of vital statistic, ये fall करता है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 30 जो है ये बात करती है रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स की। अब वाइटल स्टेटिस्टिक्स से क्या मतलब है? बर्थ का, डेथ का एंड मैरिज का। तो मैरिज का भी जो डेटा होगा वो यहाँ पे कवर होगा, एंड दैट्स अ रीजन स्टेट के पास, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट की बात है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है, दैट्स अ रीजन स्टेट हैज अ पावर With the center, both has the power to make the laws. इसीलिए center के पास ये power आई है, right? Now, next thing is कि however failure to register Hindu marriage shall in no way affects its validity. इस बात को भी आपको जानना जरूरी है कि अगर आपकी शादी register नहीं है तो क्या उसकी validity पे कोई effect पड़ता है? नहीं। आपकी शादी register हो या ना हो, वो अगर शादी हुई है तो वो एक valid शादी होगी, राइट? इसके साथ साथ एक ट्रिविया भी यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। जब 2006 में ये जजमेंट आया था, उसके बाद, उसके इनफैक्ट पहले की बात करें तो 2004 में हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा स्टेट बना जो जिसने लॉज बनाए फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। और अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 2017 में उत्तर प्रदेश एक लॉ लेके आया फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, राइट? सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश ये लॉ लेके आया है। नेक्स्ट इज व्हेन इट कम्स टू व्हाई इज रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, राइट? तो देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट होती है। अब ये क्यों प्रिवेंट होती है, कैसे प्रिवेंट होती है? क्योंकि यहां पे जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हो तो यू हैव टू सबमिट योर एज सर्टिफिकेट, एंड यू ऑल नो दैट इन इंडिया जो शादी की एज है वो है 18 इन द केस ऑफ फीमेल एंड 21 इन द केस ऑफ मेल। तो मतलब अगर इस एज से छोटे पर्सन, राइट, रजिस्टर करवाने अपनी शादी जाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिसर इसको मना कर देगा, मैरिज ऑफिसर इसको मना कर देगा। सो ये
करता है या प्रिवेंट करता है चाइल्ड मैरिजेस, उसके साथ साथ ये प्रिवेंट करता है बाइगमी एंड पॉलीगमी को, क्योंकि अगर एक शादी रजिस्टर होगी तो जब भी अगर एनी ऑफ द स्पाउस गोज फॉर अदर मैरिटल स्टेटस, या अगर वो एंटर करता है किसी और के साथ साथ मैरिज के रिलेशनशिप में, तो दूसरी पार्टी इसको क्लेम कर सकती है इजिली. सो ये प्रिवेंट करता है पॉलीगमी एंड बाइगमी को, और उसके साथ साथ ये विमेन को सिक्योरिटी देता है और बच्चों को लेजिटिमेसी भी देता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम जानते हैं लीगल प्रोविजंस क्या है व्हेन इट कम्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इन इंडिया. तो यहाँ पे दो लॉज को जानना है. पहला जो लॉ है वो है हिंदू मैरिज एक्ट, और ये एक्ट है 1955 का. दूसरा जो एक्ट है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट, और ये एक्ट आया था 1954 में. पहले आया था स्पेशल मैरिज एक्ट, फिर आया था हिंदू मैरिज एक्ट. अब जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसकी बात हम बाद में करेंगे, जबकि ये पहले आया था. सबसे पहले हम जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट को. हिंदू मैरिज एक्ट में क्या कवर होता है? तो जब भी शादी दो हिंदू के बीच में होती है तो वो गवर्न होती है हिंदू मैरिज एक्ट से. अब यहाँ पे हिंदू का मतलब क्या है? तो हिंदू का मतलब है, हिंदू में क्या क्या इंक्लूड होगा? कोई भी पर्सन जो हिंदू है, या जो पर्सन जैन है, या जो पर्सन बुद्धिस्ट है, या जो पर्सन सिख है, ये सारे लोग लोग जो हैं वो हिंदू माने जाएंगे, राइट? अब नॉन हिंदू कौन माने जाएंगे? जो भी लोग इनके अलावा हैं, राइट? जो कि ना ही हिंदू है, ना ही जैन है, ना ही बुद्धिस्ट है, ना ही सिख है, इनको बोलेंगे हम नॉन हिंदू. तो अगर मैरिज दो हिंदू के बीच में होती है, एक हिंदू एंड एक जैन, या एक हिंदू या एक बुद्धिस्ट, या एक जैन एंड एक बुद्धिस्ट, तो वो कवर कहाँ होगी? वो कवर होगी हिंदू मैरिज एक्ट में, राइट? अब हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 8 कहता है कि अगर अपनी शादी को आप रजिस्टर नहीं कराते हो तो आपको सिर्फ फाइन देना होगा, और जो फाइन भी सिर्फ ₹25 का फाइन रखा गया है, राइट? स्पेशल मैरिज एक्ट में किनकी शादी कवर होती है? एक हिंदू है और एक पर्सन नॉन हिंदू है, राइट? मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक पर्सन अगर हिंदू है और दूसरा पर्सन भी हिंदू है तो वो पर्सन भी स्पेशल मैरिज एक्ट में जा सकता है. हाउएवर, इफ वन पर्सन इज हिंदू बट द अदर पर्सन इज नॉन हिंदू, देन दे कैन नॉट गेट देयर मैरिज रजिस्टर्ड अंडर अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. दे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट. आई होप आपको समझ आया. अब यहाँ पे एक हिंदू एक नॉन हिंदू, उसकी शादी कहाँ होगी? स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर होगी. अब यहाँ पे एक और चीज जानना जरूरी है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करता है. हाउएवर, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इट आल्सो डील्स विद सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, राइट? इससे आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपने शादी आर्य समाज मंदिर में कर ली और कहीं और मंदिर में जाके कर ली, जो भी रिचुअल्स होते हैं आपने सारे कस्टम फॉलो कर लिए, तो उसके बाद आप जा सकते हैं और कह सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में कि अब हमारी शादी को रजिस्टर कर दीजिए. हाउएवर, फॉर स्पेशल मैरिज एक्ट आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में कोर्ट मैरिज करनी जरूरी है, राइट? अब यहाँ पे जब स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती है तो एक नोटिस दिया जाता है, और नोटिस कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है, और उसके बाद जो सब रजिस्ट्रार है वो क्या करता है, वो पब्लिक नोटिस नोटिस बोर्ड पे पब्लिक नोटिस को लगाता है, लगवाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी 30 दिनों का टाइम देना होता है, राइट? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट. अब स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं. वर्ड्स क्या है? मैरिज बिटवीन टू पर्सन, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है मैरिज बिटवीन हिंदूज और मैरिज बिटवीन नॉन हिंदूज, यहाँ पे मैरिज बिटवीन टू पर्सन. इसी से ये क्लियर होता है कि दो हिंदू भी जाके स्पेशल मैरिज एक्ट में अपनी शादी को सोलेमनाइज एंड रजिस्टर करवा सकते हैं. आई होप आपको ये सब समझ आया होगा. अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की. देखो प्रोसीजर जो है वो काफी लंबा है. प्रोसीजर को भी मैंने डिवाइड कर रखा है काफी सारे हेड्स में. सबसे पहले अगर हम बात करें ज्यूरिसडिक्शन की, तो किसी भी शादी को रजिस्टर करवाने के लिए जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो होता है जहां पे आइदर पार्टी, या तो मेल या फीमेल, 6 महीने से रह रही हो, या उसके साथ साथ वो जगह जहां पे मैरिज सोलेमनाइज हुई हो, राइट? या तो जहां मैरिज हुई हो या जहां पे पार्टी, आइदर ऑफ द पार्टी 6 महीने से रह रही हो. दूसरी बात करें, यही यहां पे लिखा हुआ है, राइट?
अब जब मैरिज को आप रजिस्टर करवाने जाते हो तो आपको क्या क्या चीजें देनी होती हैं? आपको फोटोग्राफ्स देने होते हैं, आपको कंबाइंड फोटोग्राफ्स देने होते हैं, उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ कैपेसिटी देना होता है। कैपेसिटी में क्या इंक्लूड होता है? आपका एज सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया कि 18 इन द केस ऑफ फीमेल्स एंड 21 इन द केस ऑफ मेल्स, आपको ये सर्टिफिकेट देना होता है कि आप जो हो इस एज के हो, राइट? मतलब आपके 10th क्लास का सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, राइट? उसके साथ साथ आपको अपना सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटी भी देना होता है, उसको आप एफिडेविट पे देते हो कि मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं अपनी कंसेंट दे सकता हूँ, राइट? उसके साथ साथ आपको आपका रेसिडेंस प्रूफ देना होता है, ठीक है? या तो हस्बैंड का भी देना होता है, वाइफ का भी रेसिडेंस प्रूफ देना होता है। एंड अगर पर्सन का पहले डिवोर्स हो चुका है तो उसको अपने डिवोर्स की डिक्री अटेस्टेड फॉर्मेट में देनी होती है। उसके साथ साथ इन द केस ऑफ डिवोर्स एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस, अगर विडो या विडोअर है, राइट, तो उनको अपना जो उनका पहले का स्पाउस था उसका डेथ सर्टिफिकेट भी देना होता है, राइट? नाउ That's it for today's video. अब हम जानते हैं कि आगे हम लीगल एज आफ्टर कॉलेज में क्या क्या लेके आने वाले हैं। तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज में 8th ऑफ मे को वी आर कमिंग अप विद ऑल इंडिया ओपन मॉक, और ये जो ओपन मॉक होगा ये क्लैट पीजी बेस्ड होगा। आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं। आप इसको अपीयर करके ये जान सकते हैं कि आपके कौन से ऐसे एरियाज हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, उसके साथ साथ कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे आपको फोकस करना अभी बाकी है, राइट? सो इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमारा कोई कोर्स देखना चाहते हैं कि हाउ वी टीच, व्हाट इज अ मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, देन दैट केस गो ऑन टॉप रैंकर्स वेबसाइट एंड और यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो एंड वहां पे जाके आप हमारा फ्री मॉक को देखिए। वहां पे आप ये देखिए कि कैसे हम वीडियो के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग द मेथड वेयर वी एक्चुअली कोरिलेट वन जजमेंट एंड वन सेक्शन विद द अदर सेक्शन, सो दैट चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। भूमिका इंदौरी साइनिंग ऑफ।